नमस्कार आदाब, आज हम आए हैं करावल नगर की और नेहरू नगर की छोटी छोटी गलियों में और आज हम बात कर रहे हैं मुद्रा स्कीम की। जिन लोगों के छोटे छोटे काम हैं, जो छोटे व्यवसाय हैं, उन लोगों को मोदी सरकार ने एक सपना दिखाया था कि उन्हें बड़ी ही आसानी से एक लोन दिया जाएगा जिससे कि वो अपने व्यवसाय को आगे और बढ़ा पाएंगे। पर इसकी क्या सच्चाई है, हम ये आपको दिखाने के लिए आज आए हैं। अभी हम हैं नेहरू विहार में। आज हम उन लोगों से मिल रहे हैं जो छोटे छोटे व्यापार रन करते हैं, चाहे वो जुराब की फैक्ट्री हो, प्रिंटिंग प्रेस हो। मेरा नाम शमा है। मैंने मुंद्रा में ना फाइल लगाई थी, उसमें 3000 खर्च भी हुए थे और मुझे 6 महीने हो गए फाइल लगाए थे। ना तो उसका जो ना कोई वो आया और ना मतलब पास होया, ना कुछ इंक्वायरी भी आई और वो पर्चा भी मिला था, कहने लगे तुम्हारा पास हो जाएगा। लड़की के पार्लर के लिए मैंने काम करा था, उन्होंने पार्लर भी मैंने दिखाया था। अब जब नहीं हुआ तो वो पार्लर भी मैंने खाली करवा दिया क्योंकि किराया अपने पल्ले से कोई ना भरती में। द स्टोरी ऑफ नरेंद्र मोदीज मुद्रा स्कीम इज वन ऑफ फॉल्स प्रोमिसज एंड लॉस्ट ड्रीम्स। The scheme was a major promise by the BJP to the working classes of India who had ambitions and hopes for their businesses. The scheme promised to give people 3 kinds of loans. The first one up to about 50,000 rupees, the mid category to about 5 lakh rupees and the major category of about 10 lakh rupees. The loans were initiated to give people the kind of support that they needed to promote their small businesses as well as to support their livelihoods. There are multiple problems within the scheme. As we have seen today, people had to struggle and run from pillar to post to be able to get their loans and also take the routes of the middlemen to be able to get the kind of finance that they needed to sustain themselves. My name is Simran Khanna और मैंने लोन के लिए कई लोगों का अप्लाई करवाया था अपने मोहल्ले में जैसे, लेकिन किसी का भी लोन नहीं हुआ मुद्रा योजना से, जिससे लोगों का गुस्सा काफ़ी है कि हमारा लोन क्यों नहीं हुआ। इतना मतलब मेहनत भी करी हमने, पेपर वर्क भी सब पूरा करा, बिजनेस भी दिखाया अपना, उसके बाद भी मतलब हमारा काम क्यों नहीं हुआ। तो मेरे थ्रू अगर जैसे कोई फाइल जाती है तो वो लोग मुझे ही बोलते हैं और डायरेक्टली कस्टमर का नंबर लेके कस्टमर से बात करते हैं, उनसे पैसा मांगते हैं और वो लोग पैसा खिलाते भी हैं, उसके बाद भी ये काम नहीं होता है। Apart from this, there are other problems as well with the scheme. The disbursed amount of the scheme amounts to rupees 46,000 and the disbursed amount comes down to rupees 45,034. So this is a major glitch that the scheme has shown. हमसे कहा गया था कि आपको 2000 रुपये जमा करना पड़ेगा अप्लाई के लिए, जो कागजी कार्रवाई होगी उसके लिए 2000 रुपये जमा करना पड़ेगा तो आपको फिर पैसा मिल जाएगा। आशा तो बहुत ही मोदी जी से, पर हमें मिला नहीं तो परेशानी बहुत हो रही है, दर दर की ठोकर खाने पड़ रही है। छोटा सा काम खोल रखा था हमने, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो अब आप इलेक्शन आ रहे हैं तो क्या बोलना चाहोगे? तो हम मोदी जी से यही कहते हैं कि जैसे आपने कर रखा था, विश्वास दिलाया था जनता को कि मैं मुद्रा लोन के हासिल कराऊंगा, आपको दूंगा करके, तो हमें तो मिला नहीं। मोदी तो हमेशा झूठ ही बोलता है। मोदी ने अभी आज तक कोई काम पूरा करा ही नहीं, लोगों का रोज़ी रोटी और छीनी है उन्होंने। अच्छे खासे कामों पे सीलिंग लगवाई है, बहुत कुछ करा है, तो हम लोग तो मोदी के खिलाफ़ हैं और कोई भी काम मोदी जी अच्छे से नहीं कर रहे हैं अपने घूमने के अलावा। सारे मिडिल क्लास लोग रहते हैं जिनको पैसों की बहुत ज़रूरत रहती है और ये योजना निकली थी 2015 में और अब चल रहा है 2019 और अभी तक कोई भी मतलब कार्रवाई नहीं हुई इस काम पर, लोन वगैरह किसी का भी नहीं हुआ, तो निराशा तो मिली है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब क्या बोलें हम लोग। हमने जब दीदी से बात की थी कि हमें लोन चाहिए तो उन्होंने बताया था कि मुद्रा योजना है, हमें लोन मिल जाएगा आसानी से, उसमें किस्त की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, कम आएगी। लेकिन हमने अप्लाई तो किया लेकिन उसमें टाइम कितना वेस्ट हुआ हमारा ये हमें पता है, हमारा काम कितना लॉस हुआ। उस टाइम हमारे ऑर्डर थे वो सारे कैंसिल हो गए, तो अब हमें जो लोन मिला है 4.5 महीने लग गए उस लोन को, लेकिन अब वो पैसा हम कहाँ यूज़ करें। 4.5 महीने बाद जितने ऑर्डर थे सारे थे वो निकल गए हमारे हाथ से। अब थोड़ा बहुत जो पेपर खरीदा है वो हम आगे अप्लाई करेंगे, लेकिन जितना लॉस हमें उस टाइम पे हुआ उस चीज़ से हमें निराशा बहुत है। Biggest failure of the Narendra Modi's Mudra scheme, it remains to be the increase in the non-profit assets. The non-profit assets were already crumbling the public sector's lenders and increasing their bad loans. However, the Mudra scheme is proving to be the final nail in the coffin. The non-profit assets have increased to about 53%. If we actually look at the current figures that are pouring in, it comes to about 14,000 crore rupees in this financial year, which is a major jump from about 9,000 crore rupees in the last financial year.
The other job survey that the BJP tried its best to suppress was the unemployment report by the Labour Bureau, which was actually approved by the ministry. It went ahead to state that the unemployment rate between 2016 to 2017 was the highest in the 4 years at 3.9%. It also went ahead to state that the MUDRA survey by the Labour Bureau went ahead to state that 97,000 MUDRA beneficiaries who took loans between April 8, 2015 and January 1, 2019. जो लोन मिला है उसमें और तो किसी को हम शामिल भी नहीं कर सकते भी किसी को नौकरी दे दे ऐसे नहीं अभी तो हमारी लेबर ही इतनी है कि हम उसमें भी ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि 2 लाख में कुछ नहीं हो पाएगा हमें तो बल्कि 5 लाख तक का लोन चाहिए था अभी 2 का ही हमारा इतना मुश्किल से 4.5 महीने में हुआ है तो 5 का पता नहीं कितने सालों में जाके होगा नोटबंदी से पहले हमारा काम बहुत अच्छा था हमें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं थी लेकिन नोटबंदी के बाद हमें इस चीज़ में इतनी दिक्कत आई ना कि मेरे पास जो गोल्ड था वो तक हमने गिरवी रख दिया है और इस उम्मीद से हमने लोन के लिए अप्लाई किया लेकिन वो उम्मीद भी कोई फायदा नहीं हुआ हमें लेकर तो मैं तो बहुत ज़्यादा निराश हूँ अगर मुझसे कोई कहता है ना कि मोदी जी अच्छे हैं मैं खुश नहीं हो सकती उस चीज़ के लिए क्योंकि नुकसान हमारा बहुत हुआ है और जो हमारे हस्बैंड है वो इतने गुस्से वाले हैं उनका मोदी का गुस्सा वो मेरे ऊपर निकला है ज़्यादातर ये सीरियसली मैं दिल से कह रही हूँ ये बात गरीब लोगों का हक जो ना आइए अमीर लोग मार लेते कुछ भी नहीं हुआ अभी मोदी हट जाए या मोदी दूसरा के आए हमारा तो काम नहीं हुआ ना और बिटिया का जरा सा काम हो जाता तो 4 पैसे बच्चा लाता तो घर में जो नहीं है कर लेते बेरोजगारी है इंसान हो गए फैक्ट्री बच्चा कहाँ ही काम करे था वो भी फैक्ट्री ये बंद करवा दी अब कहाँ कहाँ बच्चे डोरवा भी रहे रहे मोदी जी की बात आज 5 साल उनके पूरे होने वाले हैं जितने सपने उन्होंने दिखाए थे कि गरीबों को कि भाई तुम्हारे अकाउंट में पैसा आएगा कारोबार अच्छे चलेंगे ये तो पकौड़े बेचने वाली ही बात कर रहे हैं कि जिसे कारोबार नहीं वो पकौड़े बेचे और तो कोई काम नज़र आ नहीं रहा क्योंकि एक नंबर में काम करना इतना मुश्किल हो गया है आगे से GST है हमें पक्के कागजों पे काम देना पड़ता है और इससे हमें कोई बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा कारोबार बिल्कुल दिन पर दिन गिरते चले जा रहे हैं नीचे नोटबंदी की वजह से ज़्यादा परेशानी हुई थी बहुत बहुत हम घंटों पूरे पूरे हमारे आदमी जितने लेबर नीचे मेरे काम कर रही है सारी बैंकों के आगे खड़ी रही है पूरी पूरी रात खड़ी रही है तब जाके 2-2 हज़ार रुपये हाथ में आया करते थे तो इस गवर्नमेंट से तो कोई फ़ायदा नज़र आया नहीं है इस टाइम जो देश की हालत है वो हमने कभी नहीं देखी इस वक्त जो हो रहा है हिंदू मुस्लिम पे मुद्दा हो रहा है कि सरकार किसानों की नहीं सुन रही नोटबंदी से लोग इतने मारे गए उनके घर जाके नहीं जाते सैनिक शहीद होते हैं मगर सैनिकों पर राजनीति करेंगे मगर सैनिकों के घर नहीं जाएंगे वो अगर सरकार के खिलाफ जो बोल रहा है आज की डेट में वो देशद्रोही है अगर सरकार के खिलाफ जो बोल रहा है वो गद्दार है तो कब तक चलेगा देश में हमने आज तक नहीं देखा हम छोटे से बड़े हो गए आज तक ऐसा देश में हमने कभी नहीं देखा जो आज की डेट में हिंदू मुस्लिम इतना कर दिया है हर जगह हिंदू मुस्लिम सोशल मीडिया में अगर कोई अपनी बात लिखता है तो उसे हिंदू गद्दार साबित कर देते हैं JNU को गद्दार साबित कर रहे हैं लेकिन JNU ऐसा नहीं JNU से कौन नहीं निकला भाजपा का नेता उनसे पूछो क्या वो भी गद्दार हैं ऐसा नहीं है लेकिन इस देश में ध्रुवीकरण हो रहा है और इसके सारे जिम्मेदार BJP है जमीनी हकीकत देखी जाए तो असली मुद्दे गायब हैं काम की कोई बात नहीं है अगर आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तो आ गए हैं वरना काम की बात कर रहे हैं तो आप गद्दार हो It has become adequately clear to us that the benefits of the Mudra schemes, which were to be received by people with aspirations and hopes to grow their businesses, have been shattered. And the benefits of the schemes have actually reached people who were very prosperous in the first place. These are families who had already acquired wealth. There are families who could manage to get 2 or 3 loans and clearances very conveniently because of their connections or their money power. However, for common people who could not afford to pay such money and did not have connections, The dreams of actually building their own businesses have failed, let alone generating employment for others.